ओम शांति। आज सुनेंगे 9 नवंबर 1969 की अव्यक्त मुरली। मुरली का सार है भविष्य को जानने की युक्तियाँ। दीपावली के शुभ दिवस पर प्राण प्रिय अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप दादा एक एक दीपक को एक काल अर्थात समय की दृष्टि से देख रहे हैं, या तीनों कालों की। बाप तो त्रिकालदर्शी है, वह बाप दादा भी त्रिकालदर्शी है। आप भी त्रिकालदर्शी हो या बन रहे हो। अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते व जानते हो। जानते हो मैं क्या बनूंगा? पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो? यह स्पष्ट है कि क्या बनेंगे और कौन सी राजधानी में। लक्ष्मी नारायण भी किस नंबर में? हर एक ने अपना विचार बताया। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य, नाम, रूप, देश, काल, यह चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय। पहले राजधानी में क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे, यह पूरी जन्मपत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों कालों को देखते हैं। पहले क्या था, अब क्या है, फिर भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो एक एक दीपक में यह तीनों काल देखते हैं। लेकिन भविष्य में क्या होना है उसको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। जैसे वर्तमान स्पष्ट है, वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता है कि है या नहीं है, ना मालूम क्या है, यह कभी संकल्प नहीं उठेगा। इसी रीति से भविष्य भी स्पष्ट होगा। ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, नाम भी, रूप भी, देश भी स्पष्ट और काल भी स्पष्ट था। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे वह संबंध भी स्पष्ट, किस रूप में सामने आएगा। अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना ही है। अभी अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करें या ना करें, लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदबीर जो है वह आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। अब तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है, लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो फिर कोई भी संकल्प नहीं उठेगा। आप सभी ने दीपमाला मनाई? दीपमाला पर क्या करते हैं? एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है, यही दीपमाला है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन है
तो यही दीपमाला है। दीपक में क्या है? अग्नि। तो लगन होगी तो अग्नि भी होगी, लगन नहीं तो अग्नि भी नहीं। यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं। दीपक कितने प्रकार के होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा है आत्मा का दीपक, तीसरा है कुल का दीपक, और चौथा कौन सा है? आशाओं का दीपक कहते हैं ना। बाप को बच्चों में आशा रहती है, तो चौथा है आशाओं का दीपक। यह चार प्रकार के दीपक गाए जाते हैं। अब इन चारों दीपकों में से हरेक ने कितने दीपक जगाए हैं? बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती है, वह दीपक जगाया है? मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए, आत्मा का दीपक जगा है? यह चारों प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं, तब समझो दीप माला मनाई। ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए, ऐसी कोई चलन ना हो जो बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते वह बुझ जाए। एक रस और अटल, अडोल, यह सभी दीपक जग रहे हैं। जिसका दीपक खुद जगा हुआ होगा, वह औरों का दीपक जगाने बगैर रह नहीं सकता। बाप दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती हैं? बाप दादा की हर एक बच्चे में यही आशा रहती है कि एक एक बच्चा पहले नंबर में जाए, अर्थात हर एक विजयी रत्न बने। विजयी रत्न की कहानियाँ क्या होंगी? जो आप सभी ने सुनाया, वह तो जो सुना है वही बोला, इसलिए ठीक ही है। जो विजयी होगा उनके लक्षण तो आप सभी ने सुनाए, लेकिन साथ साथ विजयी किसको कहा जाता है? जो खुद तो विजयी प्राप्त किया हुआ हो, लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाएंगे। जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से आगे रखते हैं ना, वैसे ही जो विजयी रत्न होंगे उनकी विजय की निशानी यह है कि वे अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे। जो भी सामने आए वह विजयी बनकर ही निकले। ऐसे विजयी रत्न माला के किस नंबर में आते हैं? खुद तो विजयी बने हो, लेकिन और भी आपके संग के रंग से विजयी बन जाएं, यही सर्विस रही हुई है। ऐसे नहीं कि कोटों में कोई ही विजयी बन जाए, कोटों में कोई ही विजयी बनेंगे, लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही बनता है। ऐसे विजयी रत्न जो अनेकों को विजयी बना सकें, वही माला के मुख्य मणके हैं। तो विजय की निशानी है आप समान विजयी बनाना। अभी यह सर्विस रही हुई है, अनेकों को विजयी बनाना है, सिर्फ खुद को नहीं बनाना है। दीपमाला में पूरी दीपमाला जगी हुई होती है। जब दीपमाला कहा जाता है तो अनेक जगे हुए दीपकों की माला हरेक ने गले में डाली है। ऐसे जगे हुए दीपकों की माला हरेक रत्न अपने गले में जब डालेंगे, तब विजय का नगाड़ा बजेगा।
जैसे दिव्य गुणों की माला अपने में डाली है, वैसे अनेक जगे हुए दीपकों की माला डालेंगे उतनी वहाँ प्रजा बनेगी। कोई कोई माला बहुत लंबी चौड़ी होती है, कोई सिर्फ गले में पहनने तक होती है, तो माला कौन सी पहननी है? बहुत बड़ी ऐसी माला से अपने आप को श्रृंगार करना है। कितने दीपकों की माला अब तक डाली है गिनती कर सकते हो? वह अनगिनत है। दीपक भी अच्छे वह लगते हैं जो तेज जगे हुए होते हैं, टिम टिम करने वाले अच्छे नहीं लगते। अच्छा, मधुवन के फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए? नाम ही है मधुवन, तो पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई भी हर्षित कर सकते हैं। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला करेंगे। यह मधुवन नाम है, मधु अर्थात मधुरता। और वन में क्या विशेषता होती है? वन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं, तो बेहद की वैराग्य बुद्धि भी चाहिए, फिर इससे सारी बातें आ जाएंगी। और आप सभी को कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे। सभी सोचेंगे यह कैसे ऐसे बने हैं। सभी के मुख से निकलेगा कि मधुबन तो मधुबन ही है, तो यह दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह और शक्ति। आप सभी का सभी से जास्ती स्नेह है ना बाप दादा से, और बाप दादा का मधुवन वालों से विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि भले कैसे भी हैं लेकिन सर्वस्व त्यागी हैं, इसलिए आकर्षित करते हैं। लेकिन सर्वस्व त्यागी के साथ अब स्नेह और शक्ति भी भरनी है। समझा किस विशेषता को भरना है? कुमारियों को कमाल कर दिखानी है। कुमारियों का हर कर्तव्य कमाल योग्य होना चाहिए। संकल्प और वाणी तथा कर्म कमाल का होना चाहिए। कुमारियां पवित्र होने के कारण अपनी धारणा को तेज बना सकती है। ऐसे कमाल का कर्तव्य कर दिखाना है जो हर एक के मुख से यही निकले कि इन्हों का कर्तव्य कमाल का है। जैसे बाप दादा के हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है ना कि आज की मुरली तो कमाल की है, तो कुमारियों के हर कर्म ऐसे कमाल के होने चाहिए। बाप दादा को फॉलो करना है, ऐसे नहीं कहना कि कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। अगर कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो। अभी कशिश रूप बनना है, फॉलो फादर करना है,
बाप दादा खत्म, कोशिश शब्द खत्म करना है। अब बाप दादा कब कहते थे कि कोशिश करेंगे, फिर आप क्यों कहते हो कि कोशिश करेंगी, कुमारियां कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा, नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा, इसलिए साथी को साथ रखना है, नहीं तो साक्षी बन जाएंगे। साक्षी अच्छा लगता है या साथी अच्छा लगता है? जो मेहनत करते हैं उसका फल भी यहाँ ही मिलता है, यह स्नेह और भविष्य पद मिलता है। सभी का स्नेही बनने के लिए मेहनत करनी है। जो जितनी मेहनत करते हैं वह उतने ही स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेह की याद आती है, कोई बात में मेहनत की याद आती है। बाबा भी क्यों याद आते हैं? मेहनत की है तब स्नेह है, मेहनत से स्नेही बनना है। जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। मेहनत का फल ही स्नेह है। जो मेहनत करते हैं उनका हर एक स्नेह की नज़र से देखेंगे, उनको हर एक स्नेह की नज़र से देखेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नज़र से नहीं देखेंगे। स्टूडेंट को टीचर के गुण ज़रूर धारण करने हैं। स्नेह ही संपूर्ण बनाता है। स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति, स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है, यही स्नेह का सबूत है। इसमें अपने को चेक करना है, कहाँ तक हम समानता के समीप आए हैं। जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो हम कर्मातीत अवस्था के समीप पहुँचेंगे। यही समानता का मीटर है। अपनी कर्मातीत अवस्था को परखना है। सिर्फ स्नेह रखने से संपूर्ण नहीं बनेंगे, स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे। क्योंकि शक्ति से वह संस्कार भर जाते हैं, तो अब स्नेह के साथ शक्ति भी भरनी है। सभी के दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हो? सभी को संतुष्ट करना। बाप में यह विशेष गुण था, वही फॉलो करना है। सभी मधुबन की लिस्ट में हो या ऑलराउंडर की लिस्ट में हो, एक है हद की लिस्ट और दूसरी है बेहद की लिस्ट। ऑलराउंडर और एवरेडी इस लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है? एक सेकंड में तैयार, संकल्प को भी एक सेकंड में बंद करना है। मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है, यह संकल्प का बिस्तरा भी तैयार करना है। बिस्तरा भी एवरेडी रहना चाहिए। एवरेडी बनने वालों का संकल्पों का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए।
कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। अच्छा, रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते देह के और देह के संबंधों से उपराम चित्त होना है। पतित दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र और बच्चे की शक्ति पतित दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र बनने की शक्ति देते हैं। पुरुषार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है। बच्चे, सदैव गुण ग्राहक बनना है। स्तुति, निंदा, लाभ, हानि, जय, पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहम दिल बनना है। अच्छा, सदैव बच्चे सदैव गुणग्राहक बनना है। स्तुति, निंदा, लाभ, हानि, जय पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहम दिल बनना है। अच्छा, ओम शांति।